الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات درود و سلام باوازے بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دوم دام کان جدھر لگا یہ بولو کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگا یہ آقا کان جدھر تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیوں جانے ہیں وہ جہاں کی واللہ جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے کان جدھر لگا یہ کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی انس کا انس کہتے ہیں محبت کو انس کہتے ہیں انسانوں کو انس کا انس اسی سے ہے انس کا انس اسی سے ہے جانے کی وہی جان ہے کان جدھر لگا ہی واللہ کان جدھر لگا ہی تیری ہی داستان ہے تجھ سا سیاہ حکار کو ان سا شفیع ہے کہاں یہ شاعر کہتا ہے شاعر کیا کہتا ہے تجھ سا سیاہ
यहां फिर वो तुझी को भूल जाए, फिर वो तुझी को भूल जाए। दिल ये तेरा गुमान है कान जिधर। आखिर तक हमारी तकरीर इसी के घूमेगी, क्योंकि ये सारी कायनात मेरे रब ने अपने महबूब की रिजा और खुशी के लिए बनाई है। ये लो ये कलम, ये शर्क, ये गर्व, ये जुनूब, ये शमाल, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुगयानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, जिधर जिधर भी देखो बस जिक्र उनकी उन्हीं का है। कान जिधर लगा ये वल्ला, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। और शायर उस उरूज पर पहुंचा, और ये शायर कौन है? आशिकों का इमाम, इमाम आशिकां, किबले दिलो जां, इमाम आले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान। आप क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि पेशे नजर है वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। भाई जरा गौर करें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ऊंटों ने सजदे की, परिंदे कलमे पढ़ने लग गए, जानवर सजदे करने लग गए, बकरियों ने सजदे किए। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह ये जानवर होकर आपको सजदे करें, हम पीछे रहे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत, ऊंचा बोलिए, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत। हाँ तो अब बताइए, ये तड़पता हुआ आशिक जिस वक्त मदीने पहुंचे, ये जो आशिक सरकार के रोजे पे गए उन्हें मालूम है कि उन पर क्या बीतती है। हाँ, सामने हुजूर है, अब क्या करना है? सामने है वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार, लेकिन रोकिए सर को रोकिए, हाय रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। कान जेदर लगा ये, कान जेदर लगा ये तेरी ही दास्तान। अब जरा सुनिए शायर क्या कहता है। गोद में आलमे शबाब, यानी हुजूर जिस वक्त अपनी अम्मा जान की गोद में ना, तो जो मूसा जवानी में कमाल पाता है मेरे हुजूर का तब भी कमाल। इब्राहिम पैगंबर के सामने ये चैलेंज होता है कि खुदा कौन है? एक बदबख्त कहता है मैं खुदा हूं, अल्लाह के खलील कहते हैं खुदा तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालकर मगरब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरब से तुलू करके दिखा। तवज्जो है, कोई पैगंबर आता है तो अल्लाह की वहदानियत और कुदरत पर, अल्लाह की अजमतों पर दलील देते हुए चांद को दलील बनाता है, और ये कौन आ गया जो पंघूड़े में लेट के चांद को कभी इधर घुमाता है कभी उधर घुमाता है। हर पैगंबर आलम शबाब में जाता है, 40 साल की उम्र के बाद ऐलान नबुव्वत करता है, तब जाकर कहीं 1, 2, 3 मौजज़े उस पैगंबर के चश्मे फलक देखती है, चश्मे दुनिया देखती है, और ये कौन आ गया अभी आया नहीं है कि इधर भी रंग है उधर भी।
शायर क्या कह गया है, शायर कहता है कि गोद में आलम शबाब, गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ ना पूछ। यानी बचपन में मेरे रसूल का वो रंग है जो पैगंबरों के उरूज पे होता है, वो जब मेरे मुस्तफा 40 बरस के हैं फिर मैं क्या बताऊं वो क्या था। गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ ना पूछ। गुल बने गुल बने बाग नूर की, गुल बने गुल बने कहते हैं टेनी को, गुल बने बाग नूर की और ही कुछ उठान है, कान जेधर लगा ही ये वल्ला, कान जेधर लगा ओ मेरा सोना, कान जेधर लगा हसनैन के नाना, कान जेधर। ये रुके नहीं ना, महफिल का रंग है, टाइम मैंने थोड़ा लेना है, वक्त मेरे पास थोड़ा है। एक मैं ढो रहे थे तकरीर ना कर रहे ना यार, अब मैं अपने कार कर रहे थे, मैं पता है जनाब वाले इधर इंतजामिया ले भी जनाब, उन्होंने मुझे टाइम एक दिया हुआ है, मैंने उस टाइम पे इंशाल्लाह बात को खत्म करना है, लेकिन एक रंग आ जाए, झूम 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 कर आवाज आए, कान जेधर लगाई ये वल्ला, कान जेधर लगाई ये सोना, कान जेधर लगाई ये हसनैन के नाना, कान जेधर लगा सहरा के बाबा, कान जेधर लगाइए तेरी ही दास्तान। बाद अज़ हम्द व सलात लायक के सद ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशाय मुर्शिदुनल करीम सैयदी व मुर्शिदी साहबजादा वाला शान हुजूर किबला फखरु सादात सैयद शाह अहमद कमाल काजमी अदाम अल्लाहो ज़िल्लकुम उस्सामी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ, मेरे सर का ताज जुमला उलमाए जी कद्र जी मरतबत बिलखसूस मुफ्ती आले सुन्नत हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती नवीद अहमद अब्बासी साहेब, फाजल जलील उस्तादुल उलमा अखिये मोहतरम मौलाना नजीर अहमद कुरैशी साहेब, महफिल में अल्हम्दुलिल्लाहिल अजीम दर्जनों उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, और इस इलाके में ये जो मेरे सरकार के दीन की बहारें हैं ये इन्हीं उलमा के दम कदम से हैं। हजरत गिरामी उल मर्तबत मौलाना साजिद अब्बासी साहब आफ सिरला, जनाब मोहतरम मौलाना बाबर ज़ियाई साहेब, मौलाना शब्बीर अब्बासी साहेब, हजरत मोहतरम मौलाना इश्तियाक ज़ियाई साहेब, अलामा ख़तीबुर्रहमान कुरैशी साहेब, हजरत किबला पीर सैयद अली हैदर शाह साहेब, हजरत उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद अक्सीर अब्बासी ज़ियाई साहेब, मौलाना नक्काश ज़ियाई साहेब, इस इलाके को अल्लाह के कुरान के नूर से मुनव्वर करने वाली शख्सियत जिनको मैं दिल से मोहब्बत भी करता हूँ कदर भी करता हूँ, मोहतरम मौलाना वक़ार ज़ियाई साहेब, हजरत अल्लामा आसिफ साहेब, जनाब मोहतरम मौलाना मुजाहिद आले सुन्नत राशिद कुरैशी साहेब, अल्लामा कारी मुश्ताक साहेब, जनाब मोहतरम बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को कुरान और दीन का नूर अता करने वाली शख्सियत मौलाना अल्लामा इश्तियाक ज़ियाई साहेब दलोला, मौलाना मोहम्मद सईद ज़ियाई साहेब लाहौर से तशरीफ लाए, दीगर जुमला उलमाए किराम जमी हाजरीन व सामईन, जनाब मोहतरम हाजी परवेज साहेब, और मैं समझता हूँ मैं जिस शख्सियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत
इस हवाले से कि कदर है हमारे दिल में और बेलोस कदर है। हजरत मोहतरम मौलाना हाफिज अमजद कुरैशी साहब जो हमारे गांव के इमाम हैं, सही बात यह है कि इनकी मेहनतों से हमारा ये इलाका, इसका ये रंग है। बहुत सारी जगहों पर मुफ्ती साहब जाएं तो कोई नात पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलते। यहां इतनी तादाद में नात खान इन्होंने उलमा हाफिज तैयार किए हुए हैं कि यहां हमारे पास टाइम ही नहीं है यार, किस किस को कितना कितना टाइम दें। जुमला उलमाए किराम जमी आज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज की अज़ीम शान महफिल महफिल मीलाद है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा करने का एक बड़ा जरिया महफिल मीलाद है। और कोई चीजें लिखी हुई होती हैं, पढ़ी हुई होती हैं, और यहां तो अमलन हमारे इन इलाकों में ये साफ सारे पुराने हजरात को पता है कि हम लोगों को तारुफ ही नहीं था हमारी यहां इलाकों की दीनी माहौल की ये रंग और तकदीर बदली है। तो सैयदुना व मुर्शिदुना अल करीम हुजूर गौसे जमा खाजे खाजगा खाजा तौरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उस लगाए हुए बूटे के जरिए से और हुजूर किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी उस बेलोस रसूलुल्लाह के इश्क और मोहब्बत की वजह से कि यहां पता ही नहीं होता था। आप सब लोगों को पता है कि 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात मनाते थे, हैं? देख पकाते थे, कहते थे 12 वफात। हम छोटे छोटे होते थे तो मैं एकदम बहुत छोटा होता था तो देग पकी तो मैंने अपनी ताई जान रहमतुल्लाह ताला लिया, मैंने उसे पूछा कि अम्मी ये देग क्यों पकाई है? तो उन्होंने कहा पुत्र तो नहीं पता 12 वफात। मैं जी 12 वफात की शे होंगी? उन्होंने कहा कि आज हमारे नबी पाक का ना विसाल हुआ था। मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूं, वल्ला छोटा सा था और कुछ पता नहीं था। मैं वो बन्ने पे जाके ना नीचे तो काफी देर बैठ के रोता रहा कि यार हमारे नबी के वफात का दिन है, ये किसी ने बताया नहीं था, बस अंदर का एक जज्बा था कि यार। फिर हुजूर खाजे खाजगा तौरवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आई, उन्होंने फरमाया हम मुसलमान वफात नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। तो अर्ज करने का ये मतलब है कि ये शऊर देने वाली वो शख्सियात उनके दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके के बच्चे बच्चे के दिल में नबी के इश्क की शम्मा फरोज़ है। मौसम कोई भी हो, दिन कोई भी हो, महीना कोई भी, तवज्जो दर रखना है, महीना कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, मकाम जगह कोई भी हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फख्र सादात साहबजादा वाला शान हजरत किबला साहबजादा सैयद मुश्तबा हुसैन शाह साहेब आस्थाना आलिया बटंगी शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए, हम दिल की गहराई से आलम वसालम मरहबा कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मीलाद का दिन कोई मुकर्रर नहीं है। मीलाद अमाले सुन्नत कहते ही हुजूर के जिक्र को है, हुजूर की मोहब्बत के बयान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सूरत के तज़कार को, हुज़ूर की विलादत के तज़करों को, हुज़ूर की शान खत्म नबुव्वत के तज़करों को, नबी पाक के हुस्न व जमाल के तज़करों को, नबी के सहाबो आल के तज़करों को। और याद रखें, हमें कोई ना समझाए, हमें कोई ना बताए कि सुन्नियत क्या होती है, हमने जमाने को बताया कि सुन्नियत क्या होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस बात से गाफिल भी नहीं है कि दिन मेरे हुजूर के यारों का हो या दिन मुस्तफा के घर वालों का हो, हमें उनकी अजमतें भी याद हैं, उनकी शानें भी याद हैं। ये अय्याम जामे उल कुरान कामिल उल हया इवल ईमान सैयदुना उस्मान इब्न अफ्फान, मेरे रसूल का खलीफा, मेरे नबी पाक का सहाबी, मेरे नबी पाक का दामाद, वो दामाद के एक बेटी रसूलुल्लाह की इंतकाल करती है
उस्मान किनारे बैठ के चुपके चुपके रोते हैं। एक दिन मेरे हुजूर गए, फरमाए उस्मान बीवियां विसाल कर जाती हैं, पर तेरे गम का मुझे अजब ही रंग नजर आ रहा है कि तू इतना रोता है सुबह शाम, तू चुपके चुपके इतना रोता है, ये रब का दस्तूर नहीं है कि बीवी फौत हो जाए तो शोहर इतना रोए। उस्मान तड़प गए, या रसूल अल्लाह बीवी की वजह से नहीं रो रहा, मोहम्मद की बेटी की वजह से रो रहा हूं, हुजूर का नूर मुझसे जुदा हो गया, हुजूर की नखते जिगर ये निस्बत मुझसे कट गई। अभी बातें हो रही थी कि मेरे मुस्तफा सरवरे को नमका ने फरमाया मुबारक हो उस्मान, ये आ गया जिब्रील पैगाम रब्बुल इज्जत लेकर, उस रब ने मुझे पैगाम दिया है ए उस्मान ये तो मेरी एक बेटी है, अगर 100 बेटियां हो विसाल करती जाए, एक विसाल करे दूसरी का रिश्ता दूंगा, दूसरी करे तीसरी का रिश्ता दूंगा, अगर 100 बेटियां भी मेरी इंतकाल कर जाएं उस्मान में तेरे निकाह में 100 बेटियां अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर। वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्नो कि मेरे नबी ने 10 दफा इनसे जन्नत का सौदा किया। यार मेरी बात सुने, उस्मान गनी के जिक्र से हुजूर खुश होंगे कि नहीं होंगे? बाकी 18 ज़िलहज्जा को 125,000 सहाबा के मजमे में मौला अली का हाथ पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। ये गदीर खुम की जगह है। वो अलग बात है कि शिये इससे कोई और मतलब और मफहूम लेते हैं। शिये कहते हैं कि यहां हाथ उठाकर अल्लाह के नबी ने खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया। हम कहते हैं ना, खिलाफत बिला फसल आपके नजदीक खिलाफत ये उसूल दीन में से एक उसूल है, यानी अरकाने दीन में से एक रुकन है। तो अजब बात है कि अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए और नाम लेकर ना कुरान ने बयान किया ना रसूलुल्लाह ने किसी जगह बयान किया। बात यह है कि ये अपनी मन घड़त बातें हैं। मेरे मुस्तफा ने वो जो गदीरे खुम के मौके पर 125,000 सहाबा के मजमे में हाथ बुलंद करके फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, तो यहां मौला बमाना महबूब के है, यानी मेरे नबी ने फर्क मिटा दिया था कि ये अलग अलग दीवारें खड़ी ना करो कि ये नबी की मोहब्बत है, ये अली की मोहब्बत है। जैसे मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, इसी तरह अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। और यहां पर भी कई लोग कहते हैं जी कि इसमें खुशी मनाने का क्या मतलब है? ओए मौला अली को मेरे नबी ने 125,000 सहाबा का मौला कहा। सुभान अल्लाह की आवाज है। 125,000 सहाबा का मौला कहा, तो जरा मुझे बताइए कि 125,000 सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने जब फरमाया कि ये जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, तो अब आप कहते हो जी ये कोई खुशी की बात नहीं है। अगर मैं साबित कर दूं हदीसे सही से कि साहबा ने उस वक्त खुशी मनाई, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने जब हाथ पकड़ के फरमाया जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। आपने फरमाया बखन बखन लकया अली वफी रिवायत बखन बखन यबना भी तालिब, ओ अबू तालिब के बेटे ओ मुबारक हो तुझे हनी अल्लाह यबना भी तालिब, ओ मुबारक हो अली के बेटे तुझे अम सैता व असबहता व अम सैता मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिनतिन इला यौमिल कियामा, तू सुबह कयामत तक हर मोमिन कभी मौला हो गया है, हर मोमिना कभी मौला हो गया है। और एक और हदीस की किताब में अल्फाज चेंज है, वहां पर है ए अली अंत मौला या मौला कुल्ले मोमिन, तू मेरा भी मौला है और क्यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिना का भी मौला है। मुझे बताओ मुबारक किसने दी? बोलो हजरत अली को मुबारक किसने दी? तो ये मुबारक दुख में दी थी कि खुशी में दी थी?
तो उमर तो खुश हो रहे इस मनसब के मिलने पर, मौलवी जी तुहाडे बूथे क्यों बने हुए ने? ओ मुनकर यजीदियो तुम क्यों चल रहे हो? इसलिए हम ना यजीदी हैं, हम ना राफजी हैं। खुला के बोलो, खुल के बोलो, ना हम यजीदी हैं, ना हम राफजी हैं, ना हम यजीदी हैं कि हमें हजरत मौलाए कायनात को ये जो मनसब मिला इस पर जो खुशी का इजहार किया जाए हमारे कलेजे जल जाएं, और ना हम राफजी हैं कि हम जिक्र उस्मान गनी को मिटा दे, जिक्र उस्मान गनी को भूल जाएं। हम मैं एक दफा एक जगह गया तो वहां मेरे पास चिट आ गई, 18 जिला जय को जश्न ईद गदीर मनानी चाहिए या इस दिन हजरत उस्मान गनी का उर्स करना चाहिए। मैंने कहा पहली तो इस्तिलाह ये जहन में रखें, ये ईद गदीर के हवाले से हम सुनियों के यहां तीन ईदें हैं, ईद उल फितर, ईद उल अधा और बड़ी ईद। गल समझ आई? तफसील के लिए आजकल दे सारे को काला शैतान चाया ना, तो मेरी तकरीर मेरे YouTube चैनल पे जाके ना तो पूरी सोने घंटे का खिताब है, ईद मिलादुन्नबी बड़ी ईद, उसको जरा सुने और आपको पता चले दलाइल क्या है। भाई इतनी तो गल तुसी मिकार कहने ना सुन कहने भाई इथे केड़ा कोई पुराने जमाने वाली जिड़के सीढ़ियां खरीदो तो फिर जनाब लाओ कैसे उठ तो फिर ओ भाई अजकल ए जेडे 5 घंटे 4 घंटे टिकटॉक देखने हो ना, देखे हो ना ए तक ले भाई ये देख लेना कि ये जो दलील है कि तीसरी ईद जो ना, तो मैं एक जुमला कहा करता हूं कि ये वो ईद है जिस ईद के सदके बाकी ईदें ईद बनी है। तो वो ईद कौन सी है? ईद मिलादुन्नबी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक शेर लिखा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में। इस पर एक दम कुछ साहब खास किस्म के तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब चीख पा सीख पा, ये क्या हुआ कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना, क्या जो खुशियां नहीं मना रहे वो हो से? मैं कहिया मुझे नहीं मारो, मेरे सर में नहीं मारो, मुझे गालियां ना दो, अपने ही बुजुर्गों से पूछो, उन्होंने लिखा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसे हुजूर के आने की खुशी ना हो। तो फिर हम तो ये पढ़ते रहेंगे, हम ये कहते रहेंगे कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें नबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय, हाँ जी आवाज आए, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। ओ लमाए किराम जमा खातिर रखो, वो वक्त गुजर गया कि जब लोगों को बहकाया जाता था कि ये बिदअत किधर से आ गई और तुम इस जिक्र मिलाद को कैसे मिटा सकते हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके से गामा मीरासी भी खत्म हो गया, जाड़ा मीरासी भी खत्म हो गया, अब तो जिस जिस की शादी होती है महफिल मिलाद होती है, वो दौर खत्म हो गया। कहां कहां से मेरे रसूल के जिक्र को बैन करना करवाओगे या करोगे? अब तो शादियों में भी मिलाद, और इस इलाके में नई तरह डली है, नया रिवाज शुरू हुआ है, मातमे में भी मिलाद। और याद रखो जिनकी जिंदगियां रसूल के जिक्र में गुजरती हैं, खुदा की कसम उनके जनाजों के साथ दुरूद सलाम की आवाजें आती हैं। अली खान लाले का जनाजा जिस जिसने पढ़े उसने देखा है, बट 2 घंटे महफिल मिलाद, ओ भाई क्यों हो रहे हैं मिलाद, ओ क्यों अली खान लाला फोत हो गए? ओ भाई ये तो सुना था कि शादी पे मिलाद, ये तो सुना था चक की मस्जिद में मिलाद, ये तो सुना था सरहान की मस्जिद में मिलाद, ये तो सुना था सिरला हडोरा की मस्जिद में मिलाद, और ये कौन सा मिलाद है जो जनाजे के मौके पर है? आवाज आई आशिकों का रंग है, उनके जनाजे उठते हैं तो वो बताते हैं हम अपने मिशन से यूं वफा करते हैं, हमारे जनाजे उठते हैं मोहम्मद के जिक्र की बात।
इसलिए हमने अपने मुखालिफिन को ये कहा था, टेलीविजन पे बैठ के कहा था, तुम समझते हो कि हम अली अली करवाना छोड़ देंगे, हम अली अली पे पैर लगा देंगे? अरे छोड़, हमारे तो जनाजे उठेंगे, अली अली की सदाएं आएंगी। जिंदगी का कोई पता नहीं है, ये भी पता नहीं जनाजा किसको कहां कब कब किसका नसीब होता है। पर मेरे इलाके वालों, मेरे गांव वालों, मेरे शागिर्द सुन रहे, मेरे सारे सुनने वाले सुन रहे हैं, मैंने जिस वक्त मुझे एक दफा इस वजह से मेरे खिलाफ पिंडी में केस बनाया गया, एक खबीस कादियानी मिर्जाई वहां का अफसर आया, उसने कहा कि ये खत्मे नबुवत के बहुत नारे लगाता है, मेरे खिलाफ केस बनाकर मुझे शेड्यूल में डालने के लिए वॉच लिस्ट पे डाला। खैर हमारे भी शोर से मैंने जब पता किया कि यार ये क्या मसला है, मुझे पता चला जी कि ये जनाब ये इस वजह से ये कर किया जा रहा है जी कि ये मिर्जाइयों कादियानियों उन लमतियों को रगड़ा देता है। तो मुझे कईयों ने कहा जी बस चुप कर जाए बड़ा अफसर, मैं आके मेरे जुत्ती दी नोक दे बड़ा अफसर। मैंने अगले जुम्मे पे कहा कि अब मेरी वसीयत हो गई, हर जुम्मे पे ताजदार खत्मे नबुव्वत का नारा लगेगा, और मेरे से वादा करो हमारे जनाजे उठेंगे तो दो नारे लगेंगे, ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद और नारा हैदरी। पता चले हम अपने मिशन से यूं वफा करते हैं, हमारी जिंदगी तो जिंदगी, हमारे जनाजों पर भी हमारे मिशन की सदाएं बुलंद होती है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? हां पिया कोई आखा जी शिया का जनाजा होया, पुत्र शीए उस्मान गनी दे कसीदे नहीं पढ़ते, शीए हजरत उमर दी शहजादियां ते अजमतां दे कसीदे नहीं पढ़ते, शिये साहबा की अजमतों के तरह नहीं पढ़ते, शियों का अपना मजहब और मसलक है, वो उन्हें मुबारक हो, हम सुन्नी हैं, हमारा बच्चा बच्चा अजमत आले मोहम्मद का भी पहरेदार है, अजमत साहबा का भी पहरेदार है। आए हाय, तो ये उर्स किसका चल रहा है हजरत? बोलो यार, हाँ होलिया नहीं बोलना ना, उस्माने जुन्नूरैन जुन्नूरैन ओलिया नहीं बोलो उचिया जुन्नूरैन जुन्नूरैन का मतलब के दो नूरा वाला। तमाम मुतकल्लिबीन उलमा मुहद्दिसीन ने बिल इत्तेफाक जुन्नूरैन की वजह लिखी है, दो नूरों का मतलब है नबी की दो बेटियां, नबी की दो बेटियां, सुभान अल्लाह। हे बणियो भी आवाज आंदी उस्मान जुन्नूरैन, छिझाणो भी आवाज आएगी सुलमा उस्मान, सरान से भी आवाज आती है उस्मान, चक से भी आवाज गूंजती है उस्मान, बोगरा से भी आवाज आती है उस्मान, सिरले से भी आवाज आती है उस्मान, जुन्नूरैन। मैंने कहा रुक जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवान दोस्तों, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स, रुक जाओ, ये जो जो जुन्नूरैन कह रहा है इसे रोक कर जरा दो मिनट के लिए पूछ तो लो कि नबी की दो बेटियां नूर हैं, उनका बाबा नूर नहीं है? रह गया हमारा नजरिया, मेरे सैयदी इमाम आले सुन्नत इमाम आशिकां इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली अलैहि रहमतुर्रहमान, उन्होंने तो बड़ा पहले हमारा नजरिया बयान कर दिया था, उन्होंने तो कह दिया था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बोलो बोलो बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा, मजा नहीं आ रहा आवाज आवे, तू है एने नूर तेरा सब घराना, तू है एने नूर तेरा, बोलो बोलो, तू है एने नूर तेरा सब घराना। मेरे नबी की सारी बेटियां नूर हैं, इसीलिए तो उस्मान जुन्नूरैन है, सारी बेटियां प्यारी हैं, पर मेरे नबी की जो सबसे छोटी बेटी है वो सबसे लाडली है,
वो सबसे प्यारी ही है, वो जन्नती औरतों की मलका है, वो मेरे नबी के दिल का करार है, मेरे नबी का चैन है, मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन के जिगर का टुकड़ा है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। दूसरी रिवायत में फरमाया, फातिमा तेरी रिजा में खुदा की रिजा है, यानी जिससे जहरा राजी हो गई उससे कायनात का रब, बोलिए जरा, जिससे जहरा राजी हो गई उससे कायनात का रब राजी होगी। आए मेरे सैयदी आला हजरत ने फिर अकेली इस अजमत वाली बेटी की जो तारीफ लिखी है उसको सुनकर बंदा अशश कर उठता है। नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, सात दफा नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया है और हर जगह नूर का माना अलग अलग है। नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, पहला नूर सैयदा ज़ारा बिनते नूर, यानी जिसकी बेटी है नूर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी बीवी है वो नूर यानी मौला अली, जिसकी माँ है वो नूर नूर यानी हसन हुसैन, नूर है मुतलक की कनीज यानी अल्लाह वादौला शरीक, लहना नूर का यानी नूर का हिस्सा नूर का मकाम नूर। तो फिर मिलके जरा पढ़ लीजिए, नूर भिनते नूर सोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर भिनते नूर सोजे नूर उम्मे नूर भिनते नूर सोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है। बोलो बोलो बोलो, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना। मुझसे सवाल हुआ कि 18 ज़िलहिज्जा को जश्न ग़दीर मनाना चाहिए या कि उर्से उस्मान मनाना चाहिए। मैंने कहा उर्से उस्मान मनाना चाहिए, पर ईसाले सवाब के लिए जिक्र अली का करना चाहिए। क्या मनाना चाहिए उर्से उस्मान गनी मनाना चाहिए। हमारे नजदीक ईद मिलाद है, सारे तो बड़ी ईद, बोलो सारे तो बड़ी ईद मिलाद है। बाकी ये और लोगों का और नजरिया जिस पे वो ये समझते हैं कि मेरे अल मौला अली को कल्ला ये शान मिली हो तो फिर तो इस दिन ईद मनाओ। तो जी मौला अली है 1700 शाना मिली तो 1700 ईद। ओ भाई जान, ये कोई सिर्फ ये नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ये वाली रिवायत सबसे बड़ी है जिसका मैं मौला उसका। मेरे से आप पूछें तो मेरे नजदीक इससे भी एक बड़ी रिवायत, पता है कौन सी रिवायत? खुदा की कसम ये अक्सर ना सुन्नी सुनाते ना शिये सुनाते हैं। मेरे नबी ने हाथ उठाए फरमाए, या अल्लाह, सुनने ये निसाई में मौजूद है, कंजुल उमाल में मौजूद है। मेरे नबी ने एक दिन हाथ उठाए फरमाया, लोगो, बल्कि हजरत मौला अली को मुखातब करके फरमाया, ए अली, जो जो कुछ अल्लाह से मैंने अपने लिए मांगा वो मैंने। आप आस्ता बोले हो सुने भाई, नबी पाक फरमा रहे हैं, अली जेड़ा जेड़ा जो कुछ मैं अल्लाह को लो वो ही कुछ मैंने अल्लाह से। रब मेरे अगे ना नहीं की थी, क्योंकि कुल्लु नबीयन युजाब, हर अल्लाह का नबी जो है वो मुस्तजाब दावात होता है,
हर अल्लाह के नबी की दुआ कबूल होती है जिड़ी जिड़ी शे में आपा वास्ते मंगी ओई ओई चीज में तेरे वास्ते मंगी। मौली साहब जरा बिठा के ना जरा यहां लिस्ट लिखवाओ नबी ने अपने अपने लिए क्या क्या मांगा है। नबी की हदीस गप नहीं होती। हुजूर ने फरमाया जो जो मैंने अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा और साथ बता भी दिया नबी की दुआ रब नहीं होती इल्ला नौकील अली। मैं मंगता रहा रब देंदा रहा मैं मांगता रहा रब मुझे देता रहा सिवाय इसके कि मेरी तरफ पैगाम आ गया। फरमा महबूब सब कुछ मंग अली वास्ते मैं देवांगा पर नबूवत ना मंगी क्योंकि तू आखिरी नबी है तुझ पर नबूवत का दरवाजा। ये जड़े बोले नौजवानों फिर तुसी केड़ी दर्दी दवा होई यार खत्म नबूवत के मसले पे तो हमें धड़ल्ले से बोलना ए मेरा महबूब तुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया नबूवत नहीं मांगनी बाकी जो दिल करते मांग अपने लिए मांग अली के लिए मांग देंगे लेकिन अली के लिए नबूवत नहीं मांगनी नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। ये मेरा जुमला आपके पल्ले होना चाहिए कि इतना बड़ा अली नबी नहीं हो सकता खैबर का दरवाजा उखड़ने वाला अली नबी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह की आवाज आती थी मन कुन तो मौला फालियन मौला का सेहरा सर सजाए अली नबी नहीं हो सकता। वलियों का ताजेदार नबी बोलते जाओ नबी उस्मानो हैदरो उमरो अबू बकर नबी नहीं हो सकते। जरा सोचो वो ये इतने बड़े बड़े अजमतों वाले कि मेरा नबी आसमान पे जाकर वापस आते हैं फरमाते हैं जन्नत ने चार मेरे यारों की दीदार का इश्तियाक जाहिर किया। यानी अगर समझाऊं आधा लफ्जों में तो यूं बिला यानी मफहूम अर्ज कर रहा हूं और यूं बनता है कि गोए जन्नत पूछती है हुजूर खुद आए चार को नहीं लेकर आए वो चार कौन से हैं। फरमा एक सलमान दूसरा अम्मार बिन यासिर तीसरा मिकदाद चौथा अली। ये इतनी अजमतों वाले सहाबा ये नबी या दिले तुसी अगो नैया करते हो ना तो मेरा दिल बड़ा खफा होता हो जने पुत्र मुंह बोलो यार नाल जवाब दो नबी नहीं हो सकते। तो मेरा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह शर्कता गर्ब इंटरनेशनली सोशल मीडिया के जरिए से मशहूर हुआ कि अगर इतना बड़ा अली इतना बड़ा अबू बकर इतना बड़ा उमर इतना बड़ा उस्मान और ये नबी नहीं हो सकते तो फची मासी का काना पुत्र नबी कैसे हो सकता है। मैं समझता हूं ये खिताबत बहुत बड़ा वसी समुंदर है हजारों लाखों मौजूआत हैं हजारों मौजूआत पर खुतबा कलाम करते हैं पर मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मैं समझता हूं कि अगर मैंने अपने इलाके के बच्चे बच्चे को दो मजमून समझा दिए मैं इंशाअल्लाह सीना तान के जाऊंगा मैं सर उठा के मरूंगा जीऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तो वैसे भी सर उठा के रहेंगे हम मरेंगे भी तो नाच से मरेंगे। वो दो मसले कौन से हैं? मसला अव्वल हम अपनी कौम को खत्म नबुव्वत के ताजेदार की अज़मत समझा दें हम कौम को बताएं कि मेरा नबी आखिरी नबी है हमारा बच्चा बच्चा पक जाए कि जमाना चांद नीचे आ सकता है आसमान के टुकड़े हो सकते हैं जमीन ऊपर जा सकती है पर आमना के लाल के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। जिंदाबाद। और दूसरा मसला मेरे इस इलाके का बच्चा बच्चा मेरा शागिर्द शागिर्द मैं जिस जिस जगह जाऊं बच्चे बच्चे को पता लगे कि अली के प्यार के बगैर बंदा मोमिन नहीं हो सकता। सुनो मुझे एक सवाल का जवाब दो अबू बकर सिद्दीक के नारे वाह भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उम्र फरूक के नारे लगाते हैं कि नहीं? उस्मान गनी की शाने बयान करते हैं कि नहीं? तो बताओ हम इनके जिक्र छोड़ दें कि वाह भी ये ना था जिक्र कर ये कोई इंसाफ है? नहीं, नहीं।
ان صحابہ کا ذکر چھوڑے کے بھابی ہی کرتے ہیں. وہ بھائی بھابھیوں کا ان سے رشتہ ہوگا پر رب کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے, ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے, لہذا ہم ان کا ذکر ڈنکے کی چوڑ پہ کریں گے. اسی طرح شیعہ بھی علی علی کرتے ہوں گے. اسی تک کدے گئے نہ ہونا وچ جڑے گئے نہ کول پوچھ. ہاں جی, باقی یہ بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کسی سید کی توہین شروع کر دو کہ اس شاہ جی علی علی کر دے شیعہ ہو گیا. نہ پتر نہ. میرے سیدی آل حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے, سید اگر گناہگار ہو جائے, سید اگر بد عقیدہ ہو جائے اور اس کی بد عقیدگی درجے کفر تک نہ پہنچے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے. نئے نئے مسئلے گھڑنے والے ملا بھی ہمیں قبول نہیں ہیں, اور میں ہٹکے لفظ نہیں بولتا, لیکن وہ مولوی مولوی ہو کر میرے جوتے کی نوک پہ جس نے 9 سال مدرسے میں پڑھ لیا پر اسے عظمت سادات کا پتہ نہیں چلا. کمپرومائز نہیں ہے کچھ مسائل پر. سن لو, یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارے والد صاحب کو جو لوگ پرانے سارے میرے گرائے کوئی, اسی پچھلی جناب گلگت تقریر نہیں کر رہے, اپنے علاقے میں تقریر کر رہا ہوں, اپنے گھر بیٹھ کے کر رہا ہوں. کیا تسان لوکاں نہیں پتا کہ میرے ابا جی سجدے سامنے چپل لا چھوڑ دے سن؟ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں البریز کے اندر میں ملفوظ پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ جو شخص اہل اللہ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ جو ریٹرن کرتا ہے نا, وہ کیا ہے فرمایا, اس کی آل میں اس کے گھر والوں میں اللہ دین کا علم لے آتا. میں تو سانستا بول دیا. وہ میرے والد صاحب تو مزدوریاں محنتیں کرتے تھے, انہوں نے ہمیں پالا بڑھا. آج یہ کیا آگے جی فلانے حافظ صاحب تو ایک نکل اٹھتا ہے تو دعا شروع ہوتا, میں تو تاکرے ایسا کہ لوگ ہی آگ سن ایکنگ پر آپ کو سپیکر لیں درد نہیں کرتے, دوے کو چھوڑتا ہے, تریے کو اس کو چھوڑتا ہے, چاچا چاچے کو چھوڑتا ہے, پتریا پتری کو چھوڑتا ہے, پانجا ان اپنے ہی ایک ایتھو آپ اچ کر جی نہ سن سپیکر سپیکر شروع کیتا ہے. اب سمجھ آئیے کہ سیدوں کی خدمت بندے کو کیا دیتی ہے. یہ بدتمیز طبقے کو سمجھ نہیں آتا. جو لوگ سادات کی عزت کا خیال نہیں رکھتے اللہ ان کی زندگی کو, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقًا, اس کی زندگی کو بھی اللہ حجیرن بنا کے تنگ کر دیتے ہیں, اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نسلوں کو, 7 نسلوں کو اللہ سزائیں دیتے ہیں. کتنی؟ 7 نسلیں. اپنے الفیاں بھی ذرا کم کریں, کئی جگہ میں الفی لگ جاتی ہے, سید زیادہ آگے آسان سارے الفی لگ دی, اسی اٹھتے نہیں. مفتی نظام الدین نے ہند کے ایک بزرگ ہیں, ان کے ایک فتوی میرے پاس ایک دم, انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی سید کے آگے جان بوجھ کر ڈٹا رہا ادب سے کھڑا نہ ہوا اللہ مرنے سے پہلے اسے لا علاج بیماری کا مریض بناتا ہے. اور دوسرا لکھا کہ جو شخص کسی سید زادے کے آگے اس وجہ سے کھڑا ہوا کہ وہ آل رسول ادب کیا اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے. مجھے جب کرونا ہوا تو اس کا علاج تو نہیں تھا, خیر کئیوں کو شفا ملی لیکن میرا سٹیج کافی تھا. تو میرے ذہن میں یہ ملفوظ تھا, تو میں جس دن میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے اس وقت بارگاہ غوث پاک پہ کچھ عرض کی, اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اگر یہ ملفوظ صحیح ہے تو میں تو تیرے محبوب کی آل کا ادب کرتا رہا. ایک نہیں میری تو زندگی اس پہ گزری اور انشاءاللہ بقیہ بھی رہے گی. میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو, اگر ہم نے کچھ سمجھایا نہیں سمجھایا, اپنے شاگردوں کو, میرے شاگرد گواہیں, میں سبق کوئی پڑھایا نہیں پڑھایا, پر اے میں کٹ کٹ کے پڑھے کہ سیدن دا ادب کرے. تو یا اللہ اگر یہ قبول ہے تو تیرے وہ وعدہ جو ہے لا علاج بیمار سے, خدا قسم سمجھ ہی نہیں آئی کہ اے ایک دے دو چوہ دڑے وچ کام ٹھیک ہو. اس لیے موضوع بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ہم انہی چند چیزوں کو اگر ہم اپنا زندگی کا ساتھی بنا لیں تو آپ یقین کریں ہماری نسلیں سنور لیں. اور ماشاءاللہ حافظ امجد صاحب انہوں نے ہمارے گاؤں کا نقشہ بدلا, اور اس طرف پرویز صاحب, ویسے میں سیاسی سیاسی بندہ نہیں ہوں تن پتہ ہے, اور میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں, پر آپ جو وقار صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں نا مدرسے کے لیے, اس وجہ سے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اور امید ہے کہ یہ کام تھوڑا عرصہ نہیں رہے گا, یہ کام ہمیشہ رہے گا. اے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے سرن تے مامے پائے دے, اے آ گئے
पहले यहीं इसी इलाके के कई लोग हमें कहते थे, मैं नाम नहीं लेता, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक दफा मुझे कहा मैं 50,000 रुपए देता हूं मुफ्ती साहब इस इलाके च कोई मदरसा शुरू करो। तो मैंने कहा बुजुर्गो तुम ठीक कहते हो, हर चीज का एक टाइम होता है, हम अपने टाइम से पहले कोई चीज नहीं करेंगे। ये कोई कमाल नहीं है कि 10 दड़े मदरसा शुरू करो तो 15वें दड़े बंद होया कार बैठे हो, ये नहीं। जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल अजीज ये जितने इलाके रह गए हैं ना इन इलाकों में भी मदरसा होगा। और यहां डॉक्टर साहब बैठे हैं जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, डॉक्टर इलियास साहब, फकीर मनश आदमी, और इनके वालिद साहब अल्लाह के वली थे। मैं उनसे भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा, और इंशाल्लाह हम सारे मिलके, हमारा मरकज है सरान, इंशाल्लाह सरान के मकाम पर भी आलीशान दारुल उलूम कायम होगा इंशाल्लाह अज़ीज। बाकी हमें किसी चीज की कोई लालच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हुजूर के दीन के सदके। मैं वल्ला ये हम बैठा हूं, कल की बात है, मैं लाइव चल रहा है, कल हमारे इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी आयुष सोसाइटी है, उसके ऑनर का मुझे कॉल आई कि यार वो मदारिस के वाले से, मैंने उस दिन ईद वाले दिन हमारी साथी सी मुलाकात हुई, तो मैंने उसको कहा यार कोई मदारिस के वाले से, तो उसने मुझे कहा जी कि बाकी तो मैं करूंगा करूंगा, ये जो मैंने बड़ा मरकज बनाया है आप आए और इसको अपने हैंड ओवर। और सिर्फ एक नहीं, उसने कहा जी कि इंशाल्लाह मेरे 3-4 मराकज हैं और चारों के चारों हम आपके हवाले करें, हमें जरूरत नहीं है मदरसों की, हमें तो हजारों लोग पीछे पड़े इंतकालें कर करके देते हैं, लेकिन हमारी असल हमारा टारगेट है हमारा अपना इलाका। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम दीदल मेरा में टाटर में हमारे मदरसा है, और अब बरारकोट में भी शुरू हो गया, अन करीब इंशाल्लाह जैसे हमने ऐलान किया था गड़ी भी बुल्ला वहां आलीशान मरकज इंशाल्लाह उसके इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो चुका है, वहां आलीशान मरकज इंशाल्लाह कायम होगा, और इन इलाकों में भी कोई गांव कोई इलाका ऐसा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारे मिशन है, और मेरे सैयदी मुर्शदी हुजूर आकाई किबला सरकार गौसे जमा, एक गुस्ताखे रसूल ने एक दफा गुस्ताखी की थी, तो उस हवाले से मैं कुछ कुर्बानी देने के लिए मैं आया, तो हजरत साहब के जुमले था आपने फरमाया वो जेड़े और शुदुड़ बुदुड़न वो अगे लगो ना, मेरा मुझे लाड से होना कहे मेरा नीफा एक वेलासी ये इस की वजह तो हजारा गुमराह से दे सन, तो मैं आज इस जाया करा। तो मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे जी ये कत्तुसा था, मैं आख्या मैं उस वेले तक मरना नहीं जदों तक वली अल्लाह की जुबान दी निकले लव सच्चे न हो, जदों तक हजारा गुमराह असी सीधे न कर सा उस वेले तक इंशाला साड़ी इंशाला अल्लाह ताला का करम साड़ी जिंदगी इंशाला रहेगी। तो बहरहाल कहने का यह मतलब है कि मिलाद हर गांव में शुरू कर दो, मिलाद का मतलब मिलाद के सन और न सिंह नहीं होते, यही मिलाद है मेरे नबी की नाते हुजूर दे हुस्न जमाल दे तज़करे हैं, हुजूर के कीलो काल की बातें, मेरे नबी की अजमतों के तज़करे, मेरे नबी पाक की रिफतों की बातें, मेरे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत की बातें, और ये कोई नया काम नहीं है बल्कि शर्क ता गर्ब अभी कायनात बनी नहीं थी तो मेरे रसूल के हुस्न जमाल के तज़करे जारी, इसीलिए फिर आवाज बरेली से आती है कि कान जिधर लगाइए बोलो कान जिधर तेरी ही दास्तान है, कान जिधर कान जिधर लगाइए स्तान है, मेरा नबी दुनिया में आए नूर लेके आए, मेरा नबी दुनिया में आए खुशबू लेके आए, मेरे नबी पाक की वालिदा रिजाई अम्मी हजरत सैयदा हजरत अलीमा सादिया फरमाती हैं जब मैं मोहम्मद अरबी को मक्के से लेकर कबीला बनू साध गई, जिस रात मोहम्मद मेरे कबीला बनू साध में गए उस रात कबीले के हर घर से कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई थी। सुभान अल्लाह की आवाज आया ना यार, उस रात हर सू हर तरफ खुशबू महकने लग गई। एक कुड़ियां दी आदत होती है ना सुबह उठती हैं तो ओनी पलिए ये राती है, सुबह हुई कबीले की औरतें
डिस्कस करने लगी, कहने लगी ओनी पलिए आज रात सारी रात मेरे घर से कस्तूरी की खुशबू में की है। दूसरी कहने लगी मेरे घर से भी कस्तूरी की खुशबू में की है। तीसरी चौथी चुनाचे ये बात फैल गई, कहने लगी चलो नी हलीमा को लो भी पूछ आनी आवा, चलो हलीमा से भी पूछ के आती है कि क्या उसके घर में भी यही माजरा हुआ। अभी जैसे ही उधर चली उनके घर की तरफ बड़ी करीब जा रही है, बोलती जा रही है, कहती जा रही है ओ जेड़ी खुशबू साड़िया घर विच राती आई सी ओते हुण इधरों दी आ रही है। जो हमारे घरों में खुशबू रात को महक रही थी वो खुशबू हलीमा के घर से अभी भी आ रही है। अब कदम तेज तेज उठने लगे, जैसे ही सैयदा हलीमा सादिया के घर में ये तशरीफ ले गई, हर तरफ खुशबू खुशबू। हलीमा हमें मालूम हुआ है कि ये खुशबू जो रात को हमारे घरों से महकी है उसका मंबा तेरा घर है। अब बता कौन सी ऐसी इत्र ले के आई है, कौन सी ऐसी खुशबू लेके आई है कि जिसने पूरे कबीले को महका दिया है। हलीमा सादिया अंदर गई, अंदर मेरे नबी को उठा कर ले आई, उधर मेरे हुजूर आए एक खुशबू का हुल्ला महका, हर तरफ खुशबू ही खुशबू महकने लग गई है। तो इसीलिए याद रखो मेरा नबी खुशबू वाला, मेरा मेरे नबी का पसीना भी खुशबू वाला, मेरे नबी का लुहाब भी खुशबू वाला। एक सहाबी रसूल है उनके जिस्म से हर वक्त कस्तूरी की खुशबू में का करती थी। किसी ने पूछा ये कौन सी इत्र लगा के आते हो, तो वो बोले कहने लगे मैंने कोई इत्र नहीं लगाई, अलबत्ता बचपन में मेरे जिस्म पे फोड़े निकले, मेरी माँ मुझे लेकर हुजूर की खिदमत में गई, अल्लाह के नबी ने मेरी कमीज उठाई अपने हाथों पर अपना लुहाब तफल फरमाया और अपने लुहाब को मेरे जिस्म पे मला। वो दिन और ये दिन मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महक रही है, जिस्म की फोड़े फुंसियां खत्म हो गई हैं। ये मेरा वो नबी है, ये जिधर हाथ लग जाए उस जगह महका भी देता है, उस जगह को चमका भी देता है। मेरे नबी के एक सियाबी ये उम्र मुबारक उनकी 80 बरस है। इनका मामला कुछ यूं है, एक दिन घर बैठे हुए गे, सुनियो घर बैठे हुए गे, घर में और कुछ नहीं है, बीवी ने दूध का गिलास लाके दिया, लीजिए पीजिए। अब्दुर्रहमान बिन अदेस इनका नाम है, हजरत अब्दुर्रहमान इन्होंने जैसे ही प्याला अपने हाथ में लिया, ठंडा ठंडा शरबत ठंडा ठंडा दूध है, फौरन ख्याल मेरे नबी आ गया, वही गिलास उठाकर मेरे नबी की खिदमत में आ गए। या रसूल अल्लाह नोश फरमाइए, मेरे नबी ने वो दूध नोश फरमाया। फिर मेरे नबी ने दुआ दी, या अल्लाह तू अब्दुर्रहमान के चेहरे को चमका के रखना, इस चेहरे को सलामत रखना, 80 बरस की उम्र है, 80 साल हो गए, न कोई बाल काला, न चेहरे की रंगत कमजोर, न झुर्रियां पड़ी है, न बुढ़ापा जिस्म पे आया है। ओए देखने वाला यूं समझता है जैसे 25 साल का जवान है। उम्र अब्दुर्रहमान की कितनी, 80 बरस है। अब्दुर्रहमान ये रंग ये रौनक किधर से आई है, तो जवाब आता है ये सारा रंग ये चमक मदीने वाले मोहम्मद ने अता फरमाई है। इसीलिए फिर उधर बरेली से आवाज आई है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने दे मेरा दिल भी। ने मेरा दिल भी चमका दे चमका चमका दे। मदीने के खेत खुदा तुझको रखे
अमीरों गरीबों के ठहराने। तो मेरा नबी खुशबू वाला, मेरा नबी हुजूर बोलते थे तो मुंह से कस्तूरी की खुशबू। उम्मे सलमा ने एक दफा हुजूर सईद आलम के इंतकाल के वक्त, सईद उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा, फरमाती हैं फमर रबी जमोन, जमाना गुजर गया, साल गुजर गए, आपको लो खाना भी खाती हूं, वुजू भी करती हूं, गुसल भी किए, बार हा हाथ को धोया है, लेकिन लम यज़हब रीखुल मिस्क मिन यदी, अल्लाह की कसम इतना जमाना साल गुजर गए पर मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने हुजूर के सीने को छुआ था, हुजूर के पसीने का कतरा पूरे घर को महका देता है। हुजूर गलियों से गुजरते हैं तो बुखारी की हदीस है, सारी गलियों से कस्तूरी महक जाती है। है कोई कायनात में इतना सोना नबी? इसलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मेरे नबी पाक के जनाजे मुबारक को देखा तो कसम खाई थी, या रसूल अल्लाह वल्लाह है तिबता हय्यम मय्यता, या रसूल अल्लाह आप जाहिरी हयात में भी पाकीजा थे, बाद अज विसाल भी पाकीजा है, पाक थे, तय्यब थे, ताए। तो मेरा नबी जिंदा, कुछ बोलो हुजूर कौन है? इन्हें टुटने पुटने मखलूक आले पासे कोई नजरिया नहीं रखना, डट के अपने अकीदे ते रहो, ना वाबिया आले पासे ते ना शिया आले पासे, वो बोलो यार खुदा दे बंदे मिक्स मुक्स काम नहीं टुटना। और हमारे ये जो बुजुर्गाने दीन है, तोरी शरीफ, वटंगी शरीफ, ये जो आस्थान है, इनका मकसद क्या है? क्या उन्होंने वहां कोई दुकान खोली हुई है? वहां का मकसद ये है कि ऐसी तरबियत इस अवाम की कर दी जाए ताकि इनके अकीदे भी बच जाए, इनका अमल भी सही रहे। तो बुजुर्गाने दीन से वाबस्ता रहें, अपने अकीदे पे डट के रहें। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, लगे रहे लोग परवेज साहब, लगे रहे यहां पूरे पाकिस्तान में अब भी लगे हुए, लगे रहे लोग हमें किसी ने गालियां दी, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, हम चुप करके अपने लगे रहे, किथे गए वो गालियां, कहां गए वो? मैं अपने शागिर्दों से, अपने दोस्तों से यही कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की खुशबू फैलाओ, इसमें इतनी पावर है लोग आपके साथ हो जाएंगे। हमें गलियां देने की क्या जरूरत है? गालियां तो देना देना जिसको दलील ना हो, बट्टा वो मौका दिन लिसे जानी है, दो गलियां गालियां बट्टा, असि लिसे नहीं है, हमारे पास दलाइल का समुंदर है। इस वास्ते हमारा मसलक वही है जो गौस पाक का मसलक, गौस पाक नाल अन्नी मोहब्बत करनी। अज जुमला अज अज की तकरीर का जुमला पुछी कुछ कुरैशी साहब कि गल दसी है तो अज तुस हमें जुमला देना, वो जुमला ये कि गौस पाक नाल अन्ने वाह प्यार करना है। आया अन्ने वाह समझ दे, दलील शलील गल खत्म, गौस पाक नाल अन्ने वाह प्यार करना। गौस पाक की मोहब्बत ये मौलाली तक ले जाती है, मौलाली की मोहब्बत इश्क रसूल की आग भड़काती है। गौस पाक से सच्चा प्यार करे, नारे गौसिया, किसी फतवे शतवे की ना डरे, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, ये जमाने हमारी मुट्ठी में, मखलूक के दिल भी हमारी मुट्ठी में, हम चाहें तो मुट्ठी को खोल दें, हम चाहें तो मुट्ठी को बंद कर दें। खुदा गवाह है हम अब्दुल कादर जिलानी पाक से प्यार करते हैं, वो उस पाक से मोहब्बत रखें। आप यकीन करें ले यारवीं वाले का नाते डूबी हुई तर जाएगी, एवं लोगों नहीं आख्या, वो उस पाक नाल मोहब्बत करो, अल्लाह दियो बंदे वो उस पाक से प्यार करके तो देखें। और मैं उन लोगों से कहूंगा जो आले सुन्नत व जमात के मतकदात पर हो, गौस पाक इतनी बड़ी शान आले तो उन्होंने जद अल जरा दसो कि हसनैन करीमैन तो मौलाली कितनी बड़ी शान आले, इसलिए यारहवीं शरीफ की पाबंदी करें। यारहवीं शरीफ कोई नवा फितना था, नवी बिदत शिदत कोई नहीं, यारहवीं शरीफ ही साले सवाब की महफिल का नाम, यह भी यारहवीं शरीफ है कि तुम घर बह के
ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ, ਉਸ ਤਾਈ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ, ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਾਲੇ ਸਵਾਬ, ਇਹ ਵੀ 11ਵੀਂ। ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਕਿਸਮਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਹੱਥ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਆਤਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ। ਅਭੀ ਇਹ ਸਰਗੋ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਥੀ, ਤੋ ਵਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧਾ ਜਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਲਕ ਉਖੜੋ ਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਫੜਨੇ ਬੜਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦੁਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੀਆਂ। ਵਾਂ ਸਾਦਾਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਥਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਚ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅਜ਼ੀਮ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਬ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸਾ ਕੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੀਦੇ ਹਮਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਆਈਆਂ ਜੇਬ ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਕੀ ਹੋਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਉਮੂਮਨ ਕਰਜ਼ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਥੇ, ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾ ਹੁਆ, ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਆ ਤੋ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਵੀ, ਤੋ ਆਪ ਰੋ ਪੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਮਿਲਾਦ ਇਸ ਲਈ ਰੰਗ ਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਕੋ ਯਾਦ ਕਰ ਸਰ, ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਲੰਘ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਮ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੇਟਾ ਰਹੂ ਮੈਂ ਰੋਤਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੋਸ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਂ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੀਤ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ, ਹਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੇ, ਪੀਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਔਰ ਹੁਸਨ ਇਤਮਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਸਦਾਏ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਯੇ ਪੜ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਭ ਸੇ ਓ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਬਸ ਬਸ ਯੇ ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਗੁਫਤਗੂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਮੁਤਸਿਲ ਬਾਤ ਚੁਕੇ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਤੋ ਯੇ ਮਾਯੂਬ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਹਮ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਮਨਕਬਤ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਹਮਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1:30 ਵਜੇ ਕਾ ਕਹਾ ਥਾ ਮੌਸਮ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ, ਤੋ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਮੁਜਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮਨਕਬਤ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, 2018 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਰਸ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਹੋਸੀ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਖਫਾ ਹੋ ਸਨ, ਔਰ ਯੇ ਤੋ ਬਤਾ ਕਿ ਜਬ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਹਮ ਕਹਿੰਗੇ ਰੱਬਾ ਇਸ ਕਾ ਸਵਾਬ ਉਸਮਾਨ ਖਨੀ ਕੋ ਬਖਸ਼ਤੇ, ਤੋ ਅਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਗਾ ਕਿ ਖਫਾ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਗਾਨ ਖੁਦਾ ਯੇ ਮੁਨਾਫਕੋ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਸਹਾਬਾ ਮੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਹਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸਮਾਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਲੀ 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 ਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਬਸ ਯੇ ਹੀ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਆਜ ਵੀ ਗੋਇਆ, ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਮਿਲਾਦ ਕਾ ਮਕਸਦ ਉਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਕਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਓਏ, ਯੇ ਉਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਲਗਾਓ ਸਦਾ ਸਬਸੇ ਓ ਲਾ ਹੋ, ਸਬਸੇ ਭਾ ਯ
ये जो आने वाला हफ्ता है 8 जुलाई बरोज हफ्ता, इसको इंशाल्लाह महफिल मिलाद शरीफ हो रही है खोई, ये जो सामने असेंबली खोई है वहां पर मिलाद शरीफ की महफिल हो रही है, मुफ्ती नजीर साहब का खिताब होगा, अब बड़े बड़े सना खान आने खुश बयान वो तशरीफ लाएंगे। 11 जुलाई बरोज मंगल रात 8 बजे चक शादी की महफिल है, ये जो 11 जुलाई है गांव चक में, चक की मरकजी मस्जिद में, वहां पर महफिल मिलाद में मोहम्मद मुनीब साहब की मुनीब साहब की शादी है और मुफ्ती नजीर अहमद कुरैशी साहब का खिताब होगा, और यहां पर भी मास्टर फरीद साहब, मलिक जमील साहब, मलिक यूनस साहब, सरदार मलिक राइल साहब, इन्होंने आप सब हजरात को दावत दी है, और ये इसाले सवाब की महफिल है सरदार जहीर अहमद मरहूम की। 9 तारीख इंशाल्लाह उर्स मुबारक की महफिल मुबारक है आस्ताना आलिया तौरी शरीफ यानी नमाशहर उर्स शरीफ की महफिल है, उसमें भी भरपूर शिरकत की आप कोशिश फरमाएं। तो सदा लगाएं सबसे बाला हो आबी सबसे बा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूला हमारा नबी दोनों आलम का दूला हमारा। और मतला अर्द कर रहा हूं, मखना अर्द कर रहा हूं कि गमजदों को रदा मुईदा दी जे के है, गमजदों सदा लगाइए नारे तकबीर नारे रिसालत। साहबजादा पीर सैयद मुश्तबा हुसैन साहब आते हैं और मौला अली की मनकबत आप पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह उसके साथ ही हम सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे।